केंद्र के नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में यह फैसला लिया, जिससे आम जनता अपने ही पैसे के लिए मोहताज हो गई। साथ ही केंद्र से लोगों को हो रही समस्याओं का जल्द समाधान करने की भी मांग की गई। कदम भाजपा सरकार और एनडीए सरकार जो केंद्र में बैठी है उन्होंने लिया है, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के खिलाफ है और असंवैधानिक है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंतर्गत गरीब आदमी ही आज पिस रहा है और लोग अपने पैसे के लिए ही मोहताज हो गए हैं।